ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हमारे वेबजी 2021 के बारे में। वेबजी 2021 की जो डेट्स है वो हमारे पास में आ चुके, तो क्या डेट्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में इस बुक का हम लोग रिव्यू करने वाले, जो कि मैंने आप लोगों के लिए मंगा ली है, वेबजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, इसका भी हम लोग रिव्यू इस वीडियो में देखने वाले। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, वेबजी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है और आपके जो डेट्स हैं वो 6 दिन आगे हो चुके हैं। पहले आपके एग्जाम 11 जुलाई को होने वाले थे 2021 के अंदर में, और अब वो 17 जुलाई को होंगे 2021 में। तो जितने भी बच्चे कंफ्यूज थे कि वेबजी का एग्जाम कब होगा, पोस्टपोन होगा, कितना पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा, क्या होगा, सारी चीज़ अब क्लियर हो चुकी है। आपका एग्जाम 17 जुलाई को जो है फाइनलाइज हुआ है। एज ऑफ टुडे आपकी जो नोटिफिकेशन आई है वो ये आई है कि आपका एग्जाम 6 दिन बाद होगा। तो सिर्फ 6 दिन का आपका यहाँ पर डिले हुआ है, बहुत ज़्यादा डिले यहाँ पर नहीं हुआ है, सिर्फ 6 दिन आगे आपको देखना है कि आपको जब भी जो है, अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो तो वहां से आपको कब आपको टिकट करा करके वेस्ट बंगाल जाना है तो वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो कोई टेंशन वाली बात आपके लिए है नहीं, आपको बस 6 दिन बाद एग्जाम वहां पर ही दे देना है, क्योंकि इसकी जो सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में पड़ती है। तो जो भी बाहर वाले बच्चे वो उस हिसाब से टिकट वगैरह करा लेना। और आप लोगों के लिए मैंने बुक मंगा ली है वेबजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बहुत ही एक अच्छी बुक है। इसको मैंने अपने टाइम पे भी यूज किया था, तो मैंने नई मंगाई है अभी। और जो इसकी पुरानी एडिशन थी 2015-16 की एडिशन जो थी, 17 की एडिशन जो थी, वो मेरे पास घर में पड़ी हुई है कोलकाता में, उसको मैं यूज करता था अपने टाइम में। तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है WBJEE के लिए। तो इस बुक में बेसिकली स्पेशलिटी ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सारे दिए हुए होते हैं, और 2012 से लेकर 2020 तक के इसमें क्वेश्चंस है। इसको हम लोग अंदर से अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर ये बुक आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने एक बेसिक प्रिपरेशन कर रखी है बोर्ड लेवल की हो, चाहे आपने JEE मेन के लिए अगर आपने प्रिपरेशन करी है, कोई भी बेसिक लेवल क्लास प्लस टू लेवल की आपने प्रिपरेशन कर रखी है 11-12 लेवल की, तो WBJEE के लिए एडिशनल आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता एक्सेप्ट दिस बुक। सिर्फ यही बुक आपको चाहिए होता है, इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। शायद इसमें मॉक टेस्ट वगैरह भी होगा, तो मैं देखूंगा इसमें है कि नहीं। मेरे टाइम पे तो शायद था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट है इसमें। तो बस इसके मॉक टेस्ट आपको देने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके साथ सॉल्व करने पड़ते हैं आपको, एंड आप वेबजी के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। बाकी चीजों को देख के, ध्यान दे करके, जो बायोलॉजिकल साइकिल वगैरह है आपका, वो सब भी थोड़ा देखना पड़ता है वेबजी में, क्योंकि आपका दोपहर को भी पेपर होता है, मैथ्स का अलग से होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका अलग से होता है। इसके अलावा वेबजी में आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मैंने खुद ने रैंक निकाली है वेबजी के अंदर में, अंडर 1000 रैंक थी मेरी, 849 एग्जैक्ट रैंक थी मेरी 2017 के वेबजी के पेपर में। सो वेबजी की मैं ट्रिक्स भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। वेबजी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगाई थी, तो वेबजी में खतरनाक ट्रिक्स लगता है, स्पेशली मैथ सेक्शन के अंदर में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगता है। तो उसकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसका भी लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स वेबजी की उसमें ऐड होने लग जाएंगी। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने बच्चों की वेबजी 2021 की डिमांड है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की लिस्ट की, और कितने बच्चे वेबजी 2021 देने वाले हैं, वो सारे कमेंट सेक्शन में बताना। कितने वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कितने बाहर के रहने वाले हैं, वो सब लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस सब डेटा को जो है एनालाइज करूंगा। अब बात करते हैं इस बुक की, तो फटाफट से इसका रिव्यू देख लेते हैं, अंदर से इस बुक को थोड़ा सा झांक लेते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या है स्पेशल और मुझे ये बुक क्यों अच्छा लगता है। अरिहंत की मुझे सारी बुक से अच्छी लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अरिहंत का बहुत बड़ा फैन हूं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली अरिहंत का बहुत बड़ा फैन हूं एंड मुझे अरिहंत की बुक्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब इसको अंदर से देखते ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आपको बुक चाहिए या नहीं चाहिए, किस तरीके से आप लोग आगे प्रोसीड करना है वेबजी 2021 के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार अब हम लोग इस बुक को थोड़ा अंदर से देखने वाले हैं कि ये बुक मेरे को क्यों पसंद है पर्सनली। इस बुक का एक तो यार मेरे को जो हुलिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, WBJEE इंजीनियरिंग सॉल्ट पेपर, जिसका जो कवर है ना ये ब्राउन कवर में जो है, पुराने ज़माने में जब 4-5 साल पहले भी मैं इसको यूज़ करता था तो भी शायद येलोइश में होता था, कैसा होता था मुझे याद नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा अभी अच्छा लग रहा है मेरे को। 2012 से 2020 तक के मतलब लास्ट 8-9 साल के आपके पास में पेपर हैं इसमें, और विद 5 प्रैक्टिस टेस्ट भी इसके अंदर में है। ऑथेंटिक एंड एक्सप्लेनेटरी सोल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बुक्स ऐसे होते हैं जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते, मतलब एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस नहीं होते, बट ये वाला जो बुक है मुझे अच्छे से पता है, गारंटी है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ना वो एक्चुअल JEE WBJEE के ही होंगे, मतलब एकदम श्योर हूं मैं, क्योंकि मैंने खुद ने इस बुक को कई बार सॉल्व करा हुआ है। ये बुक में आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो एक्चुअल WBJEE में आए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चंस होंगे, राइट।
क्योंकि WBJEE ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन तो होता नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस आपको इजीली अवेलेबल हो भी जाते हैं, उसके पेपर्स वगैरह, तो गारंटी है जो भी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे कि आपके SRMJEE हो गया, जैसे कि आपके कॉमेट के वगैरह हो गया, इन सब एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं ये इजिली अवेलेबल नहीं होते, बट WBJEE एग्जाम के क्वेश्चन आपको इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। और ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो कि मुझे लगता है बहुत सुंदर बुक है। इसमें हमारे पास में आप देख सकते हो सॉल्व पेपर है 2020 से लेकर के 2012 तक के, आपको हर चैप्टर के यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस वगैरह आपको मिल जाएगा, आप एक एक पेपर यहां पर दे सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको यहां पर जो इंडेक्स है जो आपके 2013 में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, 2019 में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, वो पूरा आप यहां पर देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन से नहीं, और इस तरीके से आप जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया 2020 का पूरा पेपर, आपने लास्ट 8 ईयर के पेपर को अगर प्रैक्टिस कर लिया पूरा एक एक क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन काफी बढ़िया यहां पर मिलते हैं। अरिहंत के सॉल्यूशंस का मैं वैसे भी फैन हूं, काफी अच्छे से अरिहंत की बुक्स में जो है सॉल्यूशंस रहते हैं, और इस जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है अरिहंत की, जैसे कि WBJEE की हो गई, महाराष्ट्र सीटी की हो गई, वो भी मैंने आप लोगों के लिए मंगा लिया, महाराष्ट्र सीटी की मैंने अभी तक देखा नहीं है अंदर से खोल के, बट उसको मैं देखूंगा, जेई मेन की हो गई, ये सारे जो बुक्स होते हैं अरिहंत की सीरीज बहुत अच्छी रहती है क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस भी काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं एंड बच्चे ऑल ओवर द नेशन बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं क्विकली आपको दिखाता हूं, ये हमारे पास में 2019 का पेपर, आप लोग देख सकते हो सारे क्वेश्चंस हैं WBJEE के, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करने में, आप लोगों को एक्चुअल फील आएगी कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। मैथमेटिक्स सेक्शन जो इसका होता है WBJEE का, उसमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स लगते हैं और मैं आप लोगों को ट्रिक्स लगा लगा के दिखाऊंगा, मैथमेटिक्स में भरपूर ट्रिक्स लगते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा मार्क्स जो अपने ट्रिक्स से बढ़ा सकते हो WBJEE जैसे एग्जाम्स में, और मैं आप लोगों के लिए नई सीरीज बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूं। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये सारे पेपर्स है, इसके बाद में ये जो पेपर्स है हमारे पास में 2012 तक हैं, उसके बाद में हमारे पास में मॉडल टेस्ट पेपर्स हमको देखने को मिलेगा, मॉडल टेस्ट पेपर्स में हम लोग चलते हैं फटाफट से देखते हैं, 2012 तक का पेपर हमको दिख गया। अब ये आपको दिख रहा है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1 में पहुंचते हैं और फिर 1 से आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास में आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट 1 में मैं पहुंच चुका हूं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और यहां पर एग्जैक्ट पैटर्न जो हमारा WBJEE का पैटर्न है उसी पैटर्न में हमारे जो पेपर है वो रहते हैं, तो आप इसको एज अ मॉक टेस्ट ट्रीट कर सकते हो, है ना, आपके एग्जाम में अगर लास्ट के 15 दिन बाकी हैं तो आप हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट इससे दे सकते हो, क्योंकि 5 मॉक टेस्ट इसमें है तो आपका 15 दिन का मस्त टाइम निकल जाएगा मॉक टेस्ट देने का, और इससे आपको फील भी आ जाएगी एक्चुअल एग्जाम की, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा रिलेटेबल है आपके एक्चुअल एग्जाम से। अच्छा, यहाँ पर कुछ आपको ये भी दिया है, डिटेल्ड सॉल्यूशन विजिट HTTP, आप अगर इस पे विजिट करते हो इस लिंक पे या फिर इसको स्कैन करते हो तो आप डिटेल्ड सॉल्यूशन में पहुंच जाओगे, मतलब इसके जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है उसमें आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर की दिया हुआ है, ठीक है, आपको सॉल्यूशंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप डिटेल सॉल्यूशन इस लिंक पे जा करके पहुंच सकते हो और इसको या फिर स्कैन करके भी पहुंच सकते हो। तो ये एक मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा इस बुक का, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन अगर बुक में ही हो जाती तो बढ़िया होती, अब बच्चे लोग लिंक पे जाएंगे और वो स्कैन करेंगे तो यार ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। आई डोंट रिमेंबर मेरे टाइम में ऐसा था कि नहीं था, बट अभी इस बुक में यही देखने को मिल रहा है कि आपके मॉक टेस्ट जो है उसके सॉल्यूशन आपको नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ आंसर की दिया हुआ है, तो आपको इस लिंक पे जाकर के डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि एक थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज लग रहा है इस बुक का, इसी में दे दिया रहता तो काफी बढ़िया रहता, बट कोई नहीं यार, थोड़ा सा मेहनत आप बच्चे भी कर लोगे, ये आपके पीछे के सारे के सारे मॉक टेस्ट हैं और मॉक टेस्ट खत्म होता है तो बुक भी खत्म हो जाता है, पीछे कुछ और चीजें लिखी हुई है जेई मेन और एडवांस की, सारे बुक्स की एडवर्टाइजमेंट है अरिहंत की, जो और बाकी बुक्स आती है, बट उससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। बात करो इस बुक की प्राइस की, तो 420 रुपए का यह बुक है, ऑनलाइन कितने में आया मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स एक साथ ऑर्डर करे थे तो मुझे इंडिविजुअल बुक्स की प्राइसेस याद नहीं है, आप लोग लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि ऑनलाइन इसकी प्राइस अमेज़न पे क्या है, मैंने लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बस यही है, साइड में हमारे पास बहुत बढ़िया तरीके से अरिहंत का वाटरमार्क है और WBJEE सॉल्ट पेपर 2020 से 2012 तक का दिया हुआ है। ओवरऑल मेरे को ये बुक में मजा ये आता है कि यार इसकी जो सुंदरता है इस बुक की है, मेरे को बुक बहुत सुंदर लगती है पर्सनली, एंड इसके अंदर का जो क्वेश्चंस है, सच बताऊं तो क्वेश्चंस WBJEE के आसान होते हैं, आसान क्वेश्चंस होते हैं तो करने में भी मजा आता है, तो मैं ये स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, जब मैं 2015 2016 2017 में प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम में ना मुझे बहुत मजा आता था क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है वो बेसिक एवरेज लेवल के क्वेश्चंस होते थे, सॉल्व करके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है और WBJEE एग्जाम के पहले अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा WBJEE एग्जाम के लिए, एंड इस बुक का बहुत एक रोल रहा था मेरे एग्जामिनेशन में अच्छे रैंक लाने के लिए, क्योंकि मेरी जो 100,000 रैंक आई थी, 849 मेरी रैंक आई थी WBJEE में, उसमें इस बुक का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ था, हालांकि मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया था, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपके अंडर 100 रैंक आ जाएगी गारंटी से, अगर आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिए तो और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो, लेकिन मैंने इसको 20-30% ही सॉल्व किया था, उससे भी मेरे को बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट इसमें मिला था। अब आप चूज कर सकते हो कि आपको ये बुक मंगानी है नहीं मंगानी, अगर आपके उसमें बुक ऑलरेडी है तो इसको सॉल्व करो, ये जन्नत है, अगर आपके उसमें पढ़ी है तो इसको वेस्ट मत जाने दो, और अगर आपके पास में नहीं पढ़ी है तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि ये बुक आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको इस बुक की रिव्यू जो है वो पसंद आई होगी। इस बुक को आप लोग अब डिसाइड कर पा रहे होंगे कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपको ये बुक बाई करना है तो इसके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बुक्स है उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी आप एग्जाम्स देने वाले हो उसके बेस्ट जो बुक्स है लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए वो सब मैंने छाट कर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।